पहली बात तो दिक्कत ही क्या है, ठीक तो चल रहा है जीवन। हाँ बस रात में नींद नहीं आती है 2-3 बजे तक, सुबह उठा नहीं जाता है 10 बजे से पहले। पढ़ाई करने का मन नहीं करता, पर अंदर से खुद के अंदर बहुत खुद को गिल्टी फील होता है कि चलो बैठ के पढ़ लेते हैं। पढ़ने बैठो तो बिल्कुल रुचि ही नहीं आ रही है पढ़ाई में, लगता है कि एक बार मोबाइल में देख लें कहीं व्हाट्सएप पे दोस्त का मैसेज ना आया हो। व्हाट्सएप खोला, किसी का मैसेज आया था, किसी अनजान व्यक्ति से चर्चा करने लग गए और आधा घंटा निकल गया, फिर लगा पढ़ाई करनी चाहिए, फिर पढ़ाई करने वापस आ गए। करते करते रात हो गई और रात में देखा तो शायद मुश्किल से एक दो पन्ना पढ़ाई की होगी, और पूरा दिन मोबाइल फ़ोन पे टीवी देखते हुए, कोई वेब सीरीज़ देखते हुए, कोई ना कोई शो देखते हुए हमने खराब कर दिया। इस बीच माता पिता ने कहा कि 10 मिनट आपसे बात करनी है, तो उनको भी चिढ़ के बदतमीजी से उनसे भी बात कर दिया कि मेरे पास तो समय ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसमें तुम्हारी गलती है। मान लो कोई व्यक्ति को बुखार हो गया और डॉक्टर उसे क्या बोलेगा, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती से तुमको बुखार हुआ, तुम्हारी गलती से तुमको ये जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ है, तुम्हारी गलती से ये तुम्हारी तबीयत खराब हुई है। नहीं ना, बीमारियां हैं, बाहर हमारे पर्यावरण में हैं, हमें चपेटे में ले लेती हैं। इसी तरह से कलयुग के अंदर बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो आप जैसे युवाओं को अपने चपेट में ले ले रही हैं। वो बीमारियां क्या हैं? वो बीमारियां हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया। अब बताया तो बहुत अच्छे तरीके से जाता है कि व्हाट्सएप बनाया है ताकि आप बात कर सको दोस्तों से, दूर बैठे व्यक्ति से आप बातें कर सको, इंस्टाग्राम इसलिए आप अपनी फोटो डाल सको, YouTube इसलिए है कि आप शिक्षा प्राप्त कर सको पूरी दुनिया की, पर असल में इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है आपको भी पता है। तो कलयुग के अंदर ना बहुत सारी इस तरह की बीमारियां टहल रही हैं, और जो आप कहते हो ना कि आपको मोबाइल फोन की लत लग गई है, या आपका पढ़ने में रुचि नहीं है, आपको किसी और चीज में मजा आने लग गया है, इसमें बेटा आपकी गलती नहीं है। मुझे लगता है आपकी जनरेशन को इस चीज का एक श्राप मिला है, पर्यावरण पूरी तरह से दूषित हो चुका है, ये एक बीमारी है और इसे हमें समझना होगा। आपके अगल बगल बहुत सारे नए युग के शैतान हैं, ये नए युग के रावण हैं जो हमारे अगल बगल टहल रहे हैं, हमें अपने चपेटे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अपने लक्ष्य से भटका रहे हैं। जब आप किसी OTT प्लेटफॉर्म पे कोई भी वेब सीरीज देखने लगते हो, कोई भी शो देखने लगते हो जिसमें लड़ाई झगड़ा चल रही है, कुछ भी चल रही है, पंचायत चल रही है, उससे आपको आपका लक्ष्य पाने में कोई मदद नहीं होगी। आप बोलते हो नहीं, वो मुझे खुशी देगा, मुझे सुख देगा। उतनी देर आप अपने एक बहुत अच्छे दोस्त से बैठ के किसी विषय पे चर्चा करो, आपको ज्यादा सुख महसूस होगा। अपने माता पिता के साथ बैठ के बातें करो, आपको ज्यादा सुख महसूस होगा। आप जाके बाहर कोई खेल खेलाओ, शारीरिक कसरत वाला कोई खेल खेलाओ, आपके शरीर को भी अच्छा लगेगा, आपके दिमाग को भी अच्छा लगेगा। पर हम कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हम बीमार हो गए भाई। आप समझो इसमें आपकी गलती नहीं है, मैं आपको बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं खड़ा हूं। मैं बहुत सारे बच्चों से हर रोज मिलता रहता हूँ, यहाँ ऑफिस में हर रोज बच्चे आते हैं, कभी मैं चला जाता हूँ किसी विद्यापीठ सेंटर में, कभी आसपास कहीं बच्चे मुझसे टकरा जाते हैं, मैं हर रोज बच्चों से मिलता रहता हूँ, कभी बैच के अंदर संवाद हो रहा होता है, वरना मैं हाँ सोशल मीडिया पे मैं तो एक्टिव रहता हूँ देखने के लिए कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। और मैं अपने बच्चों को दोष नहीं देता हूँ कि तू खराब है, तू पापी है, तू पागल है, तू नालायक है, तू दुष्ट है, नहीं है। मुझे पता है मेरा हर एक बच्चा दिल से आज भी चाहता है कि वो जीवन में सफल हो, समाज का कल्याण करे, अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा कर जाए, हर बच्चा ही चाहता है। मेरा कोई बच्चा अपने जीवन में रावण नहीं बनना चाहता, बिल्कुल नहीं बनना चाहता। अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाओ, आपको अपने शरीर की शक्ति बढ़ानी है, अपनी क्षमता बढ़ानी है, अपनी जड़ें सही करनी है। ये जितनी भी दिक्कतें आपके आसपास, आपके अगल बगल हैं, इनको यदि आप एक दो दिन के लिए हल कर दोगे तो ये 2 दिन बाद वापस आपके जीवन में आ जाएंगी। आपको इन दिक्कतों को जड़ से सुलझाना होगा। ये जितनी भी बीमारियां हैं इनसे लड़ने का क्या तरीका है? इंद्रियों पे काबू, इम्यूनिटी को बढ़ाना, और आपको अपने कल को अब भूलना पड़ेगा। जब तक बेटा आप दुख को नहीं छोड़ोगे, दुख आपको नहीं छोड़ेगा।